गाइस वेलकम टू माय चैनल गाइस। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी का भी क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ गया है, फिगर्स इन ब्लैक में है। तो गाइस सीक्वेंस में रो लगी हुई है, मतलब टोटल इनकम हुई है 3,86,732 लाख की, जो कि पिछले साल थी 2,80,473 लाख की। वही बात करें क्वार्टरली तो 2,85,549 लाख की थी। तो गाइस देखने को मिल ही रहा है कि क्वार्टरली ईयरली इनकम बढ़ी है। वही बात करते टोटल एक्सपेंस निकल के हैं 3,76,654 लाख की, जो कि पिछले साल थे 2,72,450 लाख की। वही बात करें क्वार्टरली तो क्वार्टरली 2,79,344 लाख की। तो गाइस एक्सपेंस भी ईयरली और क्वार्टरली बढ़े ही हैं। वही बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया 10,078 लाख का, जो कि पिछले साल था 8,023 लाख का। क्वार्टरली गाइज एक्सपेंस था 6,205 लाख का। तो गाइज जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो था 6,205 लाख का। तो गाइज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली बढ़ा ही है। वही बात करते हैं हम नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट निकल कर आया 7,712 लाख का, जो कि पिछले साल था 6,264 लाख का। वही क्वार्टरली बात करें तो 4,543 लाख का था। तो गाइज नेट प्रॉफिट भी ईयरली और क्वार्टरली बढ़ा ही है। तो इट मीन्स गाइज आपको देखने को मिल ही रहा है कि डिक्सन के नंबर जो है काफी ज्यादा अच्छे आए हैं। अर्निंग पर शेयर भी 10 से 7 से 13 हुआ है। वही बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की, जो कि मैंने आप दो कंपनियां दिखा रही हूँ, भारत वायर ओप्स की। देखिए गाइस फिगर लैक में है, सीक्वेंस में रो लगी है। टोटल इनकम हुई है 14,978 लाख की, जो कि पिछले साल थी 9,443 लाख की। वही बात करें जून क्वार्टर की, तो जून क्वार्टर में थी 13,289 लाख की। तो गाइस टोटल इनकम जो है ईयरली और क्वार्टरली बढ़ी ही है। वही बात करें टोटल एक्सपेंस निकल के 12,906 लाख की, जो कि पिछले साल थे 9,291 लाख की। क्वार्टरली बात करें तो 11,676 लाख के थे। तो गाइस एक्सपेंस भी बढ़े ही हैं ईयरली और क्वार्टरली। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल कर आया है गाइस 2,072 लाख का, जो पिछले साल था 151 लाख का। वही क्वार्टरली बात करें तो 1,612 लाख का था। तो गाइस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली और क्वार्टरली बढ़ा ही है। गाइज उसके बाद नेट प्रॉफिट पे आते हैं, नेट प्रॉफिट आया है 1,535 लाख का, जो पिछले साल था 106 लाख का। क्वार्टरली बात करें तो 1,023 लाख का था। तो गाइस ईयरली और क्वार्टरली एक्सपेंस नेट प्रॉफिट बढ़ा ही है। तो गाइस देखिए कितने अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दिखाया है भारत वायर ओप्स कंपनी ने। जो प्रॉफिट है वो काफी ज्यादा बढ़कर नजर आया है ईयरली और क्वार्टरली भी। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, इनकम भी काफी अच्छी हुई है, वही थोड़े बहुत मार्जिन में एक्सपेंस हुआ है। तो गाइज अर्निंग पर शेयर भी 0.17 से 1.89 से 2.40 हो गया। तो गाइज भारत वायर ओप्स के भी रिजल्ट काफी अच्छे हैं। ये दो कंपनी है डिक्सन और भारत ओप्स, जिनके रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मैं आपको यही बोलूंगी दोनों पे ही अपनी नजर बना कर रखी, हो सकता है कल मार्केट में इसमें छाल देखने को मिले। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल में रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं इन दोनों ही पीडीएफ का जो लिंक है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप लोगों के लिए डीपली स्टडी के लिए। तो गाइज आज की वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। बाय गाइस, थैंक यू।